दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सरदर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये हमारे आस पास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं ये। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि ये किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इनके पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं, आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है, कहीं संखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गाँव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगी। इसके जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरीय मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिरदर्द समझकर ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियाँ हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहाँ पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चलाएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारियाँ अनभिज्ञ थी, लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि किन किन बीमारियों में ये फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियाँ होती है उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सरदर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको
आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना लें और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियाँ मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताती हूँ। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं ये बताती हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए इसका। तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अपने सिर के स्कैल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर ना फेंकेंगे और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंकें। देखिए पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ये जानकारियां पता होती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हूँ एक नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम।